कर दिया अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आपका, सब लोग ठीक ठाक हैं? लो सलाम किया डर गई है। अच्छा आपका सलाम। आप लोग बताते हैं, हम लोग तकरीबन हम लोगों ने सफर किया कोई 15 घंटे का, और हम डायरेक्ट जो नारायण से पहुंचे हैं अलीपुर, हम इस्लामाबाद में नहीं रुके। जी सलाम करना आपने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। और हमारी ना अभी कोई नींद भी खास पूरी नहीं हुई, बहुत थके पड़े हैं। उससे पहले आप लोगों को घर का हाल दिखाते हैं कि घर का हालात क्या हुए पड़े हैं। जगह जगह मट्टी ही मट्टी, और ये देखें ये जो चिकनियों ने कारना में ये जो काले काले नजर आ रहे हैं ना, ये सारे उन्होंने किए फर्श पे फिर के, फर्श पे फिरती हैं यार चिकनियां, हद हो गई यार। फर्श पे कैसे फिर रही? मुझे तो वट चढ़ा है चिकनियों में, सही बात है। और दूसरा हम लोग आके बेड पे अपने बैठे हैं, हमारे बेड के साथ पता नहीं क्या सीन बना है, हमारा बेड जो है वो इस तरह हो गया, ये देखें ये यहाँ पे नीचे चला गया। अभी इसको भी ठीक करना है, गंद सारा काफी घर में डला हुआ है। तो मेरे ख्याल से अभी तो हम दोनों की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही कि हम कुछ कर सके। हो सकता है कि सुबह निमरा को साथ लेके आए, उनमें से किसी को तो फिर ही करें, उसने वहां मिट्टी उड़ा दी है और बाहर झाड़ लेना था और बाहर चले जाना था इससे भी बाहर। मुझे जो सबसे ज्यादा टेंशन दी हुई ना वो इस चीज ने दी हुई है, मग ने। ये मग में इतना रास्ता है कि कोई भी बंदा आराम सुकून से गुजर के अंदर आ सकता है। ये देखें आप लोग देख रहे हैं, और ऊपर जो पहले इसके फाइबर वाली लगी हुई थी ना ग्रिल सी, वो उन्होंने उतार के बहुत ज्यादा ऊंची कर दी, मतलब आराम सुकून से बंदा आ सकता था। ये पहले जगह पूरी खुली हुई थी, ये अक्सर मैं अभी जाके लकड़ियों के पीस लगा के उसको अच्छी तरह दो दो कील काफी ज्यादा टाइट करके ना फिर हम लोग आए हैं कि खुदा ना खासा कुछ मसला बने तो हमें आवाज तो आए, वैसे तो कोई भी आराम सुकून से अंदर आ जाए। लेकिन अब ये काम मजबूत है बिल्कुल, अब ऐसा चक्कर नहीं है कि कोई आ सकता है यहाँ से या कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा हम लोग घर पहुंचे, जब उन्होंने ऊपर से उसको ग्रिल को छेड़ा है ना, उसकी वजह से हमारी गाड़ी का जो गाड़ी का एसी कह रहा हूँ, हमारे जो घर का एसी है ना उसकी गैस भी हो गई है लीक। अब देखें आते ही बिला वजह के मुझे कितने पैसे ठुक रहे हैं, एसी का जो सा 5,000 की उसकी गैस डल नहीं है। हम लोग मतलब वापस आए तो हमें वापस आगे पता चला कि लो जी ये पीछे से उन्होंने खुद ही जो असल में दो घर है, एक साथ वाला एक ये वाला, दोनों ही उनके हैं। तो उन्होंने उसको खोल के सेट शूट किया और उसके बाद हमें आगे पता चला कि हम लोग बड़ा सिक्योर समझ के गए हुए थे, यहाँ से कोई भी आराम सुकून से आ सकता था, बाकी अल्लाह ताला ने बचाया। और ना अक्सर मैं जो ना हमारा अब दिल जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा इधर रहने का, कि मतलब यार कोई मतलब कोई सुकून है ही नहीं है। घर पहुंचे एसी भी गैस लीक हो गई है, ठीक है, मोटर बार वक्री खराब हुई पड़ी है, तो ये वाली सारी चीजें मैं नोट कर रहा हूँ। अब समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ अब इस घर का। उनको मैं सुबह सुबह उनके घर गया हूँ, 6 बजे मैंने जाके बात की है, तो वो कहते हैं कि आज 9-10 मुहर्रम है, तो ये 2 दिन तो नहीं हो सकता, पर देखते हैं अभी क्या बनता है। 3-4-5 दिन तक हो सकता है कि मैं अगले आने वाले कुछ दिनों में शिफ्टिंग भी कर लूँ। काम जो सा वो कोई भी नहीं हुआ पड़ा। अब जो है ना हम लोग सोच रहे हैं कि अब समझ नहीं आ रही कि क्या करें। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा क्या करना चाहिए इस मामले में। जो रैंप आ जाता है वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ। और कुछ लोग पूछते हैं मेरे से अक्सर कि अली भाई इस घर का रेंट क्या है? इसका रेंट जो है मैं पे कर रहा हूँ 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपये इसका रेंट है। और वैसे तो घर ठीक है अगर ये सारी चीजें पूरी कर, 2021 इतना ही चल रहा है, लेकिन अगर इसकी चीजें वगैरह ठीक कर दी जाए ना तो फिर कुछ हो सकता है, ऐसे नहीं काम बनेगा। टूर पे बाहर निकले हुए होते हैं तो घर में कोई सेफ्टी कोई नहीं है इधर। नहीं ऊपर से सारा कुछ हो जाए ना तो फिर मसला नहीं है, अभी तो हम उसको सेफ करके आए हैं। ये तो बताया ना कि अभी जाके हमने उसको सेट शूट किया, अभी हम सारा करके आए हैं, बाहर जाके लकड़ियां वगैरह जो है वो सारी अभी कील के साथ लगा के आए हैं, 3-3 कील लगा के आए हैं, सारा कुछ मैं करके आया हूँ। अभी एक हम अपना हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा किसी और का हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 3-4 हाथ इस्तेमाल करके हम क्लैपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आयशा ऐसी हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। नहीं वैसे आप मुझे एक चीज को बताएं, अगर ये सारी चीजें पूरी हो जाती फिर तो कोई मसला नहीं है, तो उन्होंने मेरे साथ प्रॉमिस किया है कि 9-10 मुहर्रम निकाल के, जारी बात है यहाँ तो फिर होता नहीं। वैसे तो उनको ये काम पहले करवा देना चाहिए था, 10-12 दिन हो गए हमें घर से निकले हुए, पहले करवा देना चाहिए था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम जिस तरह 9-10 मुहर्रम गुजरेगा 11 मुहर्रम को हम कम्प्लीट करवा देंगे। हाँ तो फिर मुझे तो अब सबको यही चीज नजर आ रही है कि हमने कुछ और शिफ्टिंग वगैरह का यहाँ से करें,
मतलब कि ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग असल में अब चाह रहे हैं, हमारे से हो गलती की है कि हम लोगों ने अलीपुर में ही घर शिफ्ट किया, हमें ना गुजरांवाला शिफ्ट होना चाहिए था। जिस तरह के हम लोग रात को लेट वापस आए हैं, तो हमें वापस आते हुए रोड पे बड़ा ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि अक्सर हमारा रात को ट्रैवल होता है। तो इस बारे में कुछ सोचते हैं आप लोग भी कॉमेंट्स करके बताइए कि क्या लगता है, गुजरांवाला रहना चाहिए या हमें अलीपुर से गुजरांवाला शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। अभी हम दोनों ना बड़ी टेंशन में, सीरियसली अभी जो हमारे हालात है, हम लोगों से स्पाइस भी कुछ भी नहीं हो रहा। एक तो हमारी थकावट बहुत है, जिस तरह से घर छोड़ गए थे उस तरह से रहा ही कोई नहीं, मतलब ऊपर सारा उन्होंने खोल दिया, जो सेफ्टी थी वो भी कोई नहीं सेफ्टी। मुझे तो कोई इतनी टेंशन नहीं, मेरे से ज्यादा इसको जो होती ना, इसको इस बात का नहीं है, बल्कि मुझे कही थी मैंने रहना ही नहीं अभी, तो मैंने इसको कहा चले अक्सा मैं कुछ हल्का फुल्का हल करता हूँ उसका, तो अभी की है। जी नहीं, अब दो दिन का टाइम है ना, दो दिन में देखते हैं क्या होता है, अगर तीसरा दिन नहीं होता तो फिर कोई हाल निकालते हैं। फिर मैं उनसे यही कह दूंगा ना, फिर वो जिस तरह वो जो हमारी एग्रीमेंट पे बात है कि घर खाली करना है 2 महीने पहले हमने बताना है, तो फिर मैं उनको बता दूंगा कि मैंने 2 महीने बाद खाली कर देना है घर, ठीक है ना। आप 2 महीने मेरे जो एडवांस मैंने दिया हुआ वो मुझे वापस कर दे। इस तरह ही हो सकता है ना, फिर यही हल बनता है, और तो कोई हल नहीं है हमारे पास भी। आयशा के लिए हम दूध का कार्टन जो है वो 7 लाख के लेके गए थे ऑलपर्स का पूरा, वो वहाँ जाके फिर आयशा की तबीयत ये पता नहीं ऑलपर्स पी गई या वैसे खराब होने लग पड़ी, फिर ऑलपर्स हमने छोड़ दिया, तो आगे हमने लैक्टोजन शुरू कर लिया जिस तरह की आप लोगों को पता है। तो अब ये दूध पीने पे भी हमारे सारे वापस आ गए। ग्रोसरी वैसे हमारी क्या क्या होने वाली है, मैं आप लोगों को ग्रोसरी की चीज दिखाता हूँ कि सिर्फ ऑयल शॉयल ही आने वाला, छोटी मोटी चीजें देखें, बाकी हमारा कुछ अक्सर वैसे खत्म तो हुई है यार। देखे दालें पड़ी हुई है, अच्छा वो पीछे, अच्छा द्राक्ष पीछे भी है, वो एक एक बार यूज हुई भी, वो एक बार और पक गई है। बिरयानी के डब्बे पड़े हैं, चीजें वगैरह काफी पड़ी हुई है, गैस हमारा खत्म होने वाला होगा शायद, तो गैस हमारा आने वाला है जी। और दूसरा जो है ये भूल गई है बात, इसको मैं भी याद करवाऊंगा, सबसे लड़ना शुरू कर देना है पर्स आपका, वो मैंने आपको सुबह लेके देने, सुबह सुबह आपको इंशाल्लाह पर्स आपका गिफ्ट आएगा, आपके लिए प्रॉमिस है मेरी तरफ से, आपके लिए गिफ्ट आएगा। भूल के आपसे बोलने लगी, याद नहीं नहीं मैंने आपके साथ प्रॉमिस जो किया हुआ है, फिर सुबह मेरे बेगम के लिए वो गिफ्ट आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप पहले मुझे ये बताएं कि बाहर से जाके इंटरनेट का पैकेज करवा के, हमारे पैकेज भी खत्म हुए, सब कुछ खत्म है, पैकेज करवा के वीडियो अपलोड करनी है, सफाई वगैरह करनी है, क्या प्लान है? बाहर चलते हैं पहले। आपको मिल गए आपके टॉयज सारे, खेलना शुरू कर दिया मैंने मिट्टू ने टॉयज के साथ, आते ही अपने टॉयज निकाले, उनके साथ खेलना शुरू कर दिया हुआ है। नहीं अक्सर मेरी बात सुन, घर पहन हम पता क्या करते हैं, पहले बाहर से जो काम है ना, इंटरनेट का पैकेज है कि सारा कुछ कर आते हैं, उसके बाद आके सफाई करते हैं, सारा काम करते हैं, सारा सब ब्लॉग कह रहे हैं ना, पर्स पुर्स को आप मिलना कोई नहीं, मैं पहले बता। लो जी रख दिया अंदर इस रूम के, मेरे ख्याल से लाट ठीक होने वाले हैं, कुछ है कोई सरप्राइज कुछ भी नहीं ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, टेंशन क्यों लेती हैं, कुछ नहीं होता। मेरी बात सुन, जब बंदा घर से जाता है ना तो एक दफा हो जाता है इस तरह, लेकिन मसला बहुत है इसलिए हुआ है कि किसी और ने क्या दिया है, वो ऐसी जो था लेके जमीन के अंदर। आप लोग कह रहे होंगे कि इन दोनों का पता नहीं क्या हुआ पड़ा है, मसल में हम लोग रहे हैं वहाँ पे कोई 8 से 9 दिन, 8 से 9 दिन में हम लोग रहे ठंडे इलाके में, तो मौसम एकदम चेंज हुआ है, उसकी वजह से ना हमारी जो सी ना बॉडी वो यूज्ड टू हो गई है वो सर्दी की, और एकदम हम गर्मी में आए ना हमारे पसीने छूट रहे हैं। हाँ जी आया कोई स्कूल एसी में बैठ के, सुकून है वरना घर में तो दिल कर दोनों लड़े हैं एक दूसरे के साथ लड़े, और वो हमारी क्या कहती है, हम चेंज एकदम एनवायरनमेंट हो गई है ना, और आते ही सबसे बड़ा काम खराब एसी का हो गया है, अब एसी भी बंद पड़ा है, और दूसरे मजे की बात घर में रूम में पक्का भी कोई नहीं है, और जो हमारा सोलर वाला पक्का है वो आते ही खराब हो गया, मतलब सारे काम इकट्ठे ही, इसको क्या हो रहा है, तो ये सारे काम जो इकट्ठे नहीं करा, अभी इंटरनेट का पैकेज करवाते हैं, एक इन्हू पहला करवा लो सेट, बाकी हम बातें बाद में करते हैं, तो एक आधा दिन लग जाना अभी हमें सेट होने में, ठीक है, बाकी आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अक्सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा आयशा, और जिन्होंने किया उनका थैंक यू, चलो बाय आयशा, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय, ठीक है आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, फिर मुझे बताना कि आप लोगों को हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं।